हाय व्यूअर्स, मैं के स्टूडियो में आप सभी का वेलकम। ऐसा तो नहीं कि मैं उसे ये बोलूंगा कि तुम घर बैठ जाओ। अगर आप किसी को कुएं में कूदने से रोक सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कूदना होता है तो वो कूद ही जाता है। सोनाक्षी सहना की शादी से बहन भाइयों के रिश्ते में दरार आ गई है। सोनाक्षी और जहीर की शादी में जहां रिश्तेदार, फ्रेंड्स और बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की, वहां सोनाक्षी के भाई लव सहना ने शादी में झांका तक नहीं। लव सहना ने शादी के किसी फंक्शन में कोई अटेंड नहीं किया, जबकि इनके दूसरे भाई कुश ने शादी का फंक्शन अटेंड किया, लेकिन वो इसमें दिखाई नहीं दी। जहीर और सोनाक्षी की शादी को लेकर लव सहना ने बहुत देर पहले ही विरोध कर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि सोनाक्षी जहीर के साथ शादी करें। शुरू में तो शत्रुघ्न सहना ने भी इस शादी के खिलाफ विरोध किया, लेकिन शादी से दो दिन पहले सोनाक्षी ने अपने पापा यानी शत्रु को मना लिया और वो इस शादी में शामिल हुए। अब एक लव सहना का इंटरव्यू सामने आया और उन्होंने इस बात को लेकर तफसील से बात की और उन्होंने कहा कि मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं था और मैंने बड़ी देर पहले सोनाक्षी को ये करने से रोका। लव ने कहा कि मेरी और मेरे भाई कुश में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम दोनों भाई इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि क्या हकीकत है और क्या फेक है, लेकिन सोनाक्षी इस बात को नहीं मानती। हिंदुस्तान टाइम को इंटरव्यू देते हुए लव ने ये कहा कि सोनाक्षी हमारी बात नहीं सुनती। मैंने भाई होने के नाते अपना फर्ज पूरा किया, क्या मुझे भाई होने के नाते ये हक नहीं कि मैं अच्छे और बुरे से अपनी बहन को रोकूं? सोनाक्षी मुझसे छोटी बहन है। सोनाक्षी हमारी बात नहीं मानती, इसलिए बाहर के लोग इससे फायदा उठाते हैं और यही बात सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर हुई। लव का ये इंटरव्यू वैसे तो उस वक्त सामने आया था जिस वक्त सोनाक्षी जहीर को डेट कर रही थी, लेकिन इस वक्त लव का ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि लव सहना ने इस शादी में शरीक नहीं हुए थे और उन्होंने फाइनली ये चॉइस सोनाक्षी के सामने रखी थी कि उनको अपने भाई और जहीर में से किसको चुनना है, और फाइनली सोनाक्षी ने जहीर को अपने पति के रूप में चुना और यूं लव सहना ने इस शादी से विरोध किया और अपनी बहन सोनाक्षी से दूरी बना ली। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही मजीद खबरों के लिए देखते रहिएगा मैके स्टूडियो।